बारीज वेलकम टू माय चैनल और आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस हमारा चौथा और फाइनल पार्ट आ चुका है इस सीरीज का, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एक नॉर्मल रेस्टर और बड़े सुपरस्टार के अंदर क्या फर्क होता है और क्या चीजें बनाती है, क्या चार चीजें बनाती है एक नॉर्मल रेस्टर को सुपरस्टार। तीन चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में। पहले पार्ट में रेसलिंग स्किल्स, दूसरे पार्ट में प्रोमोज और तीसरे पार्ट में कैरेक्टर प्ले। मैं आपको तीनों ही चीजें तीनों पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अगर आपने वो तीनों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में मैं तीनों वीडियोस डाल दूंगा, आप तीनों वीडियोस को जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप कहीं से भी उन तीनों वीडियोस को जाकर देख सकते हो। और इस फाइनल और चौथे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो चौथी कौन सी चीज होती है जो कि एक नॉर्मल रेसलर को बनाती है सुपरस्टार या फिर बड़ा रेसलर, और वो चौथी चीज होती है यूनिक पर्सनैलिटी। अब यूनिक पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है कि अगर आपकी एक अलग और यूनिक पर्सनैलिटी है ना, तो फिर वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवर कर सकती है, आपके कैरेक्टर के लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसा रेसलर होता है जिसके प्रोमोज उतने अच्छे नहीं होते हैं, उसके रेसलिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, उसके कैरेक्टर प्ले करने का स्टाइल उतना अच्छा नहीं होता है, वो उतने ज्यादा कैरेक्टर भी प्ले नहीं करता है, बट स्टिल वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हिज यूनिक पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंट पर्सनैलिटी। यूनिक और डिफरेंट पर्सनैलिटी को आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी मान सकते हो। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिनको देखने का मन करता है, जिनको लोग चाहते हैं देखना और जिनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब ऑब्वियसली WWE एक रेसलिंग शो है, यहाँ पर मैटर करते हैं फैंस, यहाँ पर मैटर करती है ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अगर किसी रेसलर को ऑडियंस पसंद करती है तो फिर कहीं ना कहीं जाकर उस रेसलर को WWE को पुश देना होता है, उस रेसलर को WWE को आगे उठाना होता है। जैसे कि आप परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हो जॉन सीना। अब जिस वक्त जॉन सीना WWE के अंदर थे तो ऐसा नहीं था कि उनसे ज्यादा अच्छी रेसलिंग स्किल्स किसी की नहीं थी, बहुत सारे ऐसे रेसलर थे जिनकी रेसलिंग स्किल्स उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ऐसे रेसलर थे जो कि ज्यादा कैरेक्टर प्ले करते थे। जॉन सीना ने तो अपने पूरे करियर के अंदर एक ही कैरेक्टर प्ले किया है, बट स्टिल वो कैरेक्टर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, इतना ज्यादा लोगों को पसंद आता था कि उस कैरेक्टर से ही वो इतने ज्यादा बड़े और फेमस रेसलर बन गए। हाँ, एक बात थी उनके अंदर जो कि था उनका प्रोमोस। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो उनकी थी ही, बट उनके प्रोमोस भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते थे, और प्रोमोस की वजह से वो लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। जिस तरीके से वो बोलते थे, जो भी वो बोलते थे, जो उनका स्टाइल होता था, उससे वो काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते थे, और उसी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस बने थे WWE के अंदर। और एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको करेंटली दूं तो रोमन रेंस उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। यूनिक पर्सनैलिटी है, और इस वक्त अगर WWE के अंदर उनको इतना बड़ा पुश दिया जाता है तो भाई सिर्फ इसी वजह से दिया जाता है कि उनकी बहुत ही यूनिक और बहुत ही हटके पर्सनैलिटी है। उनके जैसा कैरेक्टर या उनके जैसी पर्सनैलिटी अभी किसी और की नहीं है। रेस्टिंग स्किल्स आपको बताया कि रोमन रेंस के बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं है। प्रोमोज अभी वो ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हैं, बट शुरू से उनको पुश दिया जाता है तो शुरू से उनके प्रोमोज उतने अच्छे नहीं थे। कैरेक्टर प्ले की अगर बात करो तो अब जाकर उनको दूसरा कैरेक्टर मिला है, नहीं तो उससे पहले उनका एक ही कैरेक्टर चल रहा था, बट स्टिल WWE उनको टॉप पर रखती है। और उसका रीजन यही है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो यूनिक पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, वही लोग देखना चाहते हैं और इसीलिए उनको इतना पसंद किया जाता है। रोमन रेंस की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि मतलब अंधाधुन फैन फॉलोइंग है उनकी। आपने वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, मतलब थंबनेल के अंदर अगर रोमन रेंस की फोटो डाल दी तो नॉर्मल व्यूज जितने आते हैं एक वीडियो के अंदर उससे ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो ये पावर है रोमन रेंस की। रोमन रेंस को अगर आपने किसी टॉप 10 लिस्ट के अंदर डाला है और अगर आपने उनको नंबर 1 पे नहीं डाला है तो भाई कमेंट आने लग जाते हैं कि भाई नंबर 1 पर क्यों नहीं डाला है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि रोमन रेंस को लोग पसंद करते हैं, उनको वो देखना चाहते हैं, उनको वो WWE के बेस्ट गाइड लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ है या नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि लोग उनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए लोग उनके बारे में इतना ज्यादा केयर करते हैं, उनकी चीजों के बारे में इतना केयर करते हैं, और इसीलिए WWE वाले भी उनको इतना ज्यादा पुश देते हैं, उनको इतना ज्यादा ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। उसका रीजन यही है कि भाई लोग उनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उनकी फैन फॉलोइंग देखोगे तो भाई इंडिया से तो इतनी ज्यादा है कि मतलब पूरी दुनिया के फैंस अगर आप एक तरफ रख दोगे रोमन रेंस के और इंडिया के फैंस एक तरफ रख दोगे तो मेरे को लगता है भाई इंडिया वाले फैंस ज्यादा निकल जाएंगे नंबर्स में, इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी जब बात आती है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि उनको बाहर पसंद नहीं किया जाता, इंडिया के अलावा बाहर भी उनको पसंद किया जाता है, बट हाँ ये है कि बाहर और रेस्लर को उनसे ज्यादा ऊपर माना जाता है, उनसे ज्यादा बड़ा रेस्लर माना जाता है या फिर उनसे ज्यादा पसंद किया जाता है, बट हाँ पसंद उनको बाहर भी किया जाता है। अमेरिका में उनको थोड़ा सा हेट मिलता है बिकॉज अमेरिकन को थोड़ी सी रेस्लिंग की ज्यादा नॉलेज है, और किसी रेस्लर को अगर ओवर पुश मिलता है तो उस चीज से उनको काफी प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए रोमन रेंस को वो हेट करते हैं और उनको लगता है कि रोमन रेंस इतना ज्यादा डिजर्व नहीं करते हैं जितना उनको मिलता है, तो इसीलिए वो उनको हेट भी करते हैं। वो एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि
क्यों अमेरिकन्स हेट करते हैं, इंडियंस लव करते हैं रोमन रेंज को, एक वीडियो मैंने बहुत ही समय पहले बनाई थी, तो उसको आप देख सकते हो, डाल दूंगा मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब यूनिक पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई हर कैरेक्टर को मैं यूनिक पर्सनैलिटी बोल रहा हूँ, कुछ अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, यूनिक के साथ साथ कुछ अट्रैक्ट भी आपके अंदर होना चाहिए जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। अब लार्स सुलिवन की अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, लार्स सुलिवन WWE के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाए जा रहे हैं, काफी अलग है उनकी पर्सनैलिटी, बट इस कैरेक्टर को आप अट्रैक्टिव कैरेक्टर नहीं बोलोगे। और आई थिंक ये मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, बट स्टिल ये बात मैं बोल रहा हूँ कि लार्स सुलिवन आपको WWE के टॉप का है या फिर WWE के यू नो टॉप पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे कभी भी, वो भी आपको ऐसे ही मिड कार्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी उनको काफी अच्छी बुकिंग मिल रही है, बट एक समय आएगा जब वो अपनी रियलिटी पर आ जाएंगे जहां पर उनको रखना चाहिए। अभी उनको थोड़ा सा अच्छी बुकिंग मिल रही है, डोमिनेटिंग मिल रही है, बट उनका हाल वही होने वाला है जो ब्रॉन स्ट्रोमैन का हुआ है। ब्रॉन स्ट्रोमैन एक आधी बार चैंपियन बन गए, वो भी बनेंगे एक आधी बार चैंपियन कहीं ना कहीं, बट आपको वो सेथ रॉलिंस जैसे बड़े रेसलर नहीं देखने को मिलेंगे WWE के अंदर, वो आपको रोमन रेंस, एजे स्टाइल, डैनियल ब्रायन इनकी कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेंगे। और उसका रीजन ये भी है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना उनको उतना ज्यादा चैंपियनशिप नहीं दी जाती है, बिकॉज उनके ऊपर चैंपियनशिप उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। WWE की हिस्ट्री बताती है कि मॉन्स्टर्स को WWE इतना ज्यादा टाइटल्स वगैरह नहीं देती है, चाहे वो बिग शो हो, केन हो, मार्क हेनरी हो, बड़े रेसलर्स रहे हैं ये WWE के अंदर, बट इनको उतनी ज्यादा चैंपियनशिप नहीं मिलती है। और उसका रीजन यही है कि इनके ऊपर चैंपियनशिप उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है एज कम्पेयर टू सेथ रॉलिंस, डैनियल ब्रायन, एजे स्टाइल, रोमन रेंस, जॉन सीना, ये सारे रेसलर्स ऐसे हैं जिनपे चैंपियनशिप ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू मॉन्स्टर रेसलर्स। तो इसीलिए लार्स सुलिवन मेरे हिसाब से उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अगर आपकी उम्मीदें हैं कि भाई लार्स सुलिवन WWE के टॉप गाय बनेंगे, तो उम्मीदें थोड़ी सी यार कम रखो, बिकॉज अच्छे रेसलर वो रहेंगे, सक्सेसफुल भी रहेंगे, बट उतने ज्यादा नहीं। शायद आप में से काफी लोग अगर सोच रहे होंगे कि वो WWE के फेस ऑफ द कंपनी बन जाएंगे या फिर WWE के टॉप पर चले जाएंगे, चैंपियनशिप पे चैंपियनशिप जीतेंगे, तो अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है तो भाई अपनी एक्सपेक्टेशन पहले ही बता रहा हूँ थोड़ी सी कम कर लो, क्योंकि फिर आगे चलकर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी जब उनको वैसी बुकिंग नहीं मिलेगी। तो फिलहाल कैरेक्टर प्ले मैंने आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, समझ आया होगा आपको कि कैरेक्टर प्ले क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों रोमन रेंस को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, क्यों जॉन सीना WWE के फेस ऑफ द कंपनी रहे हैं। आई थिंक अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस पार्ट और इस सीरीज को यहीं पर एंड करेंगे। आई थिंक आपको चारों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, और अगर आपको चारों पार्ट्स अच्छे लगे तो नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन से पार्ट में आपको ज्यादा मजा आया, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो को और इस सीरीज को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। It's so cool.